दोस्तों अभी मैं देख लो यहाँ पे हार्ड है मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। अब मैंने ये यहाँ पे फिक्स किया, मैं अकेले आ चुका हूँ आगे, ये सब पीछे है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, सबको देख सकते हो। इससे ज़्यादा मज़ा कहीं पे नहीं आएगा आपको। और यहाँ पे एक और मेरे दोस्त पहुँच गया भाई, जैसा भी मुझे प्रभु आपकी लीला अपन पार है, वो हमारी लीला अपन कैसा लग रहा है भाई आपको, कैसा लग रहा है? जहर जहर ये ज़्यादा, अगर नहीं आए तो प्रोग्राम में भाई हम आए तो ये आए, बिल्कुल हम नहीं आते तो कोई नहीं आता, हिम्मत की कभी। ये देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, हिम्मत कभी नहीं मछली और हमारा कमांडो आ गया, हम कमांडो के साथ आते हैं। वही जैसे आप देख रहे हैं बारिश की साल चल रही है, तो मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता ही रहा हूँ, लेकिन अब मैं बता दूँ कि रिकॉल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा भाई, शेयर करो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस। वाओ इतना अगर वाओ किया भाई, अब मेरा एक्सपीरियंस देख लो मेरे को कैसा लगा। मैं भाई जाऊंगा। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है, हम मज़े कर रहे हैं। आप भी आओ यहाँ पे और मज़े करो बिल्कुल। तो मेरे पास आप देखो ये क्या बने, अच्छा ठीक है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हम स्नोमैन बनाएंगे, अभी हम देखते हैं इंतजाम से ज़्यादा बारिश है, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, मैन कितना ही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा बनाएंगे और यहीं से बना देते हैं अगर ये कह रहे हैं। ठीक है हम वहाँ पर कैमरा फिट करते हैं सब स्नोमैन बनाते हैं। फाइनली स्नोमैन बना दिया, इसका नाम क्या रखे भाई ये तो बता दो। चमन इसका नाम हमने रख दिया, चमन 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 लहरी चमन लहर लहरी चमन चमन लहरी, यहाँ पे हिमाचल की वादियों में भाई इन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी बनाने में, सबसे गॉल है फिर उससे ज्यादा इसने, फिर उससे ज्यादा इसने, फिर उससे ज्यादा इसने, वो एक दूसरे से ज्यादा कर रहे थे। तो हमारा ये यादों में यहीं पर रह जाएगा, अभी हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, हमारी जर्नी देख लो अभी यहाँ से ख़त्म हो रही है, आगे नहीं जाना हम सुने यहीं से ख़त्म, वापस चले जाएंगे। मतलब देख आई लव मी, आई डोंट नो हु मेड दिस लिटरली, और ये हमारा स्नोमैन थोड़ा पास से जाके आपको दिखा देता हूँ मैं, मतलब मिस्टर चमन या मिस्टर तक पता नहीं क्या बोल रहे हैं इसको, अच्छा मैं इसका नाम स्नोमैन का स्नोमैन ही रखेंगे और क्या रखेंगे। चलो दुआ में याद रखना हमें, आप स्नोमैन को बोल देते हैं हम यहाँ पे, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का भी, तुम दुआ पे नाम रखना। तो बाय बाय स्नोमैन मिस्टर चमन, और अभी हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं वापस भी, स्नो अब ज़्यादा पड़ रही है और ऊपर मतलब कि अब 6 किलोमीटर कौन जाएगा इतना ज़्यादा बर्फ़ को, यहाँ पर भी बड़ी ज़्यादा हमने इतना इन्जॉय कर लिया यहाँ पर। यहाँ से वापस चलते हैं, बता फिर मेरा ब्लॉग फिर थोड़ा यार अगर ज़्यादा लंबा भी हो गया तो मैं इसे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो अगर आपने ये वाला देखे तो दूसरा वाला देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब मैं यहाँ पे एक आधा स्लो बनाएंगे, वरुण भाई क्या बनाना बता दो, स्लो मोशन बनाना है वरुण भैया, तो कोई नहीं इनका स्लो मोशन बनाते हैं, आपको बता देंगे किस तरह के, मैं इन सब के डाल दूंगा मैं, आप टेंशन ना लो, सभी के नाम भी मैंशन कर दूंगा अच्छे से। तो पहले स्लो बना लेते हैं उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो दोस्तों फाइनली अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, सुबह हाल से बुरा हाल हो चुका है हमारा और हम भी अभी थक गए हैं, सभी थक गए पीछे, ये देखो भाई सबसे पीछे सोहन लाल थका हुआ है, इसको हमने चाचा दे दिया, ऐसे बताया था यार मैंने उसको प्रॉब्लम हो गई थी, बस स्नो गंदी करके आ गए हम। हाँ बिल्कुल भाई, और कुछ ना करा पूरे दिन में, तो अभी भी नज़ारे ले रहे जाते जाते ही, स्नो गाड़ी का हाल क्या बन चुका है यहाँ पे, पूरी तरह बुरा हाल हो चुका है इसका, और स्नोफॉल देखो बिल्कुल धीरे धीरे गिर रही है, यहाँ से निकलने हमारी गाड़ी जा रही है, हम भी धीरे धीरे चल पड़ेंगे, बाकी सब पैदल चलेंगे,
ताकि गाड़ी स्लिप ना करे, तो ये सब अब तैयार हो रहे रेडी। ये देखो क्या हाल हो गया, बाकी साथ हम गाड़ी में नहीं बैठे अभी, मैं साथ जा रहा हूँ, गाड़ी मैंने दे दी अपने फ्रेंड को, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी चला देता, मेरे को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ से। क्यों भाई रिस्क लेना नहीं बिल्कुल भाई, वो प्यार से ले गया बिल्कुल, जो पीछे ये बने हुए मार्केट से ले रहे हैं, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं, देखते हैं बिल्कुल आइस से कवर हो चुके हैं, तो पीछे भी मज़ा आ रहा है बिल्कुल। आवाज़ किसी पेड़ से पड़ रही है अभी रखते हुए, थोड़ी बहुत ज़्यादा बोलो मुँह में पड़ रही मैं चल आइसक्रीम खाऊँ थोड़ी सी, मैं बोल रहा हूँ ये देख भाई मेरे पास थोड़ा हाथी, थोड़ा हम मुँह में डालते हैं, मुँह खोलते आइसक्रीम बनेगी खुली, आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं अच्छी और देखते हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम बनाते और खाते हैं, देखते हैं बनाते बनाए भाई आज की आइसक्रीम आपको बना के दिखाऊँ, चलो पहले आगे चलो दिखाते हो यहाँ पर अच्छी आइसक्रीम भी यहाँ पर है भाई, ये वाला एक्सपीरियंस आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, रहे थोड़ा यहाँ पे आ गए हाथ की डाली ये वो भाई हाँ हाँ जो बच गया आगे खाएगा मजेदार लेने अपने साथ, ये पैकेट लाओ और ऐड करो हाथी के एक्सपीरियंस के बाद अभी हम जा रहे हैं वापस। हेलो सवाल क्या हमें पढ़ लेते हैं पकड़ लेते हैं हम तुम्हें पकड़ लेते हैं राहुल तेरे को कैसे लगी सच दादा क्या आई चू सच्ची अब बोला रहे सबसे अच्छी लगता है हमारा तो अलग अलग एक्सपीरियंस है अपने हिसाब से, अगर भाई आपको कैसे लगी एक्सपीरियंस मजा लेते हुए पहले से आगे बड़ी रात को बात कर रही है यहाँ पे थोड़ा यार फारो मैं लिख दे फारो अखिल डी ए आर वरुण 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 इसने अपना नाम लिख दिया मेरा ही लिख दे भाई हमारा ही हम भी हूँ यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे ये कुछ याद है वो यार नहीं देखो अखिल वरुण और अब आपको दिखाता हूँ फिर राहिल है हाय कर दे यहाँ पे वरुण भाई तुम भी अपने नाम के पास जाओ ये वरुण भाई आ गए अब आगे किसी में सबने डाला गया थोड़े ये अपन क्या तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब चलते रहो यहाँ पे तब भी आप पहुँच पाओगे अब मैं करते हैं कि वाली जैकेट तो उतार ही दूंगा ये मैंने इसलिए मेरे को प्रोटेक्ट करनी ले रखी है उसके अंदर ही मैंने एक डाली उसके अंदर भी एक डाली उसके अंदर भी एक डाली है मेरे कितनी सारे मैंने कपड़े डाले इस वजह से सबसे ठंड मेरे को हाथों में लग रही है सबसे देखिए वाला हाथ दूसरे वाले मैंने ग्लव्स डाले क्योंकि इसमें कैमरे में और ये वाला मैंने यहाँ पे ऐसे डाले हुए भाई मेरे तो दोनों हाथ में ठंडे हो गए देखो हाथ से आप देखो क्या है इस समय मेरे हाथ की हालत बड़ी गंदी है अल्टीमेटम बढ़ते गए यहाँ पे होने चाहिए पहाड़ हिला दिए भाई हमने पता चले गई है भाई यहाँ पे एक बड़े खिस्से एक दो बता देता हूँ हाजम चुके यार हमें पूरी रात पूरा ही ला दिया था आ गए जम्मू वाले मेरी वापिस मैं तो मारना नहीं आती।
Winter's here, the snow is falling on our car. As we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. All I wanted was